तो वसीम शिवराज ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के माध्यम से 77 लाख किसानों के परिवार वालों को किसान सम्मान निधि की 1540 करोड़ की सौगात दी, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। देखिए, मध्य प्रदेश में 30 तारीख को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव में किसान की समस्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी किसानों को खुश करने के लिए एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रही है। कुछ ही दिनों पहले किसानों को बिजली पर सब्सिडी और बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की घोषणा की थी। अब सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के माध्यम से 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि की 1540 करोड़ की सौगात दी है। मित्रों, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आज लगभग 1540 करोड़ रुपए की राशि 77 लाख किसानों के खाते में आज हमने डाली है। इसके पहले अप्रैल में ये राशि डाली थी, तो प्रत्येक 6 महीने में 2000 रुपया करके साल भर में 4000 रुपया किसानों के खाते में जाए, ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी डालते हैं, केंद्र सरकार डालती है, कुल मिला के 10000 रुपया ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के मिलते हैं। सरकार की किसानों को लुभाने वाले प्रयास से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है, जिस पर अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, आज का ये कार्यक्रम होने वाला था, हमारे कुछ मित्रों को तकलीफ हुई, उन्हें हमारी चुनाव आयोग में शिकायत की। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? अब तुमने तो कुछ दिया नहीं। अरे ये ऑनगोइंग स्कीम है, कोई नई योजना तो नहीं है, ये पैसा हम पुराने समय से डाल रहे हैं। बहरहाल किसानों के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। सरकार चुनाव जीतने के लिए सत्ता में होने का फायदा उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।